आफ्टरनून स्टूडेंट, आज का जो परिस्थिति है जिसके कारण हम लोग के स्कूल में प्रेजेंट होकर क्लास नहीं चल पाएंगे, ठीक है, जिसके कारण हम लोग को ऑनलाइन क्लास देना पड़ रहा है। इसके पहले तुम लोग का 10.1 का मैथ में 1 नंबर कंप्लीट हुआ था, आज जो है 10.1 का 2 नंबर सेम गुणन पर हम करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, दो सम समझा देंगे, दो सम तुम लोग को हम होमवर्क देंगे। पहले देखो, 2 नंबर में 2 का 1 नंबर में क्या गुणनफल, ईजी गुणनफल था। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर है उसको ब्रैकेट को ओपन करके जस्ट मल्टीप्लाई साइन करके हम लोग दिखाएंगे, ओके। देखो कैसे, 50PQ इंटू 2P2Q2, ओके। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले नंबर नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो 15 है और 2 है, 15 टू 30, ये हम लोग 30 अब हम लोग क्या भाग जो है हम लोग इसके पहले जो चैप्टर में करवाए थे उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि अल्फाबेट के ऊपर अगर कोई पावर ना हो या कोई नंबर ना लिखा रहे तो क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग 1 मानते हैं। उसके बाद क्या सिखाए थे कि अगर भाग में 20 का अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो क्या होता है, उसको हम लोग पावर्स को जोड़ देते हैं, ठीक है, और अगर भागा का चिन्ह रहता है तो क्या होता है, हम लोग माइनस कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए क्या करेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखो पी के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मैंने 1, यहाँ पर देखो पावर के ऊपर पी के ऊपर कितना पावर लिखा है, 2, मतलब 2 और 1 कितना हुआ, 3, तो हम लोग कितना लिखेंगे, पी के ऊपर पावर क्यू। अच्छा, फिर सेम देखो क्यू के ऊपर भी कुछ नहीं है, मतलब 1, क्यू के ऊपर 2 लिखा है मैंने स्क्वायर, तो पी क्यू पी मैंने 2 और 1 कितना हो गया, क्यू हो गया, क्यू क्यू बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर सम्स भी हम करके दिखा रहे हैं, तुम लोग थोड़ा गौर से देखोगे क्योंकि वो इससे थोड़ा अलग है, ठीक है। फोर बाई सेवन एक्स स्क्वायर इंटू 7/2x+2, इस सम्स में क्या होता है, इस सम्स में होता है क्या, जो हम लोग ब्रैकेट के अंदर जितना भी नंबर है उस बाहर वाले अंक के साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होता है और साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखो पहले हम लोग करेंगे क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4/7x² × 7/2x, ओके। अब देखो इसके आगे तो कोई साइन नहीं है, मतलब हम लोग जानते हैं कि प्लस होता है, कोई साइन नहीं रहने से, ये भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। अब देखो 4/7x² × 2, ओके। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मली 5 में हम लोग सीखे हैं क्या, अगर फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, क्रॉस वाइज कटता है नंबर, तो क्रॉस वाइज कटता है नंबर, मतलब कैसे, देखो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, ओके, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कट गया। अब देखो यहाँ तो कोई नंबर कट नहीं रहा है क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 वो तो कटेगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पहले ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2। अब क्या हो रहा है, देखो नीचे तो 1 है, 1 नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, पावर अब क्या हो रहा है, अल्फाबेट वाला पावर। देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ सेम हो गया, 2 और 1 यहाँ बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, x क्यूब जुड़ जाएगा पावर। अब देखो प्लस, अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 = 8, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 7 × 1 = 7। यहाँ पर देखो अल्फाबेट में क्या है, सिर्फ x स्क्वायर है, 2 के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या, जो अल्फाबेट है वो सेम टू सेम यहाँ उतर जाएगा, उसके बाद हम लोग जस्ट आंसर लिख देंगे। ओके, समझ में आया, देखो ये दो सम्स हम करवा दिए हैं, समझा दिए हैं तुम लोग को, नेक्स्ट जो है होमवर्क हम दे दे रहे हैं। आज हम यहीं पर क्लास खत्म कर रहे हैं। अगर तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, तो तुम लोग प्लीज, तुम लोग
जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना है उसमें कमेंट करके भेज सकते हो। ओके बाय।